हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग साइंस। सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द मैटर। सो बेसिकली व्हाट इज द मैटर? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव कॉल्ड दिस मैटर। सो इस यूनिवर्स में जो भी कोई मटीरियल है, साइंटिस्ट ने कहा था कि वो एक मैटर से बना हुआ है। जैसे कि जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, या फिर स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन के एक पानी की बूंद या फिर एक पार्टिकल सैंड का, ईच थिंग इज़ अ मैटर। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं ना, तो सभी चीज़ मैटर की बनी हुई है। मैटर होता क्या है? मैटर बेसिकली होता है कि जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, या फिर जिसका कोई मास हो, वॉल्यूम हो। ओके, सो अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था। तो उसमें क्या था कि इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा कि इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है, जिसे हमें पंच तत्व कह सकते हैं, जिसमें आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम, कोई भी लिविंग या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है। जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी मैटर की सिमिलर क्लासिफिकेशन दी थी, पर आज के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 प्रॉपर्टीज़ दी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो बेसिकली मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। पर हम इसमें एक क्वेश्चन है कि मैटर कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है, कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है या फिर एक मैटर कंटिन्यूस लेयर का बना हुआ है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। दिस वन एक्टिविटी, टेक अ 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर। 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है हमें, उसे फिल हाफ द बीकर विद वाटर। बीकर को हाफ तक हमने वाटर से भर लेना है, और जहाँ तक वाटर आया वहाँ तक मार्क कर लो। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वाटर में शुगर को डालना है, ग्लास रॉड की हेल्प से डिसॉल्व करना है, और उसके बाद हमने ना उसमें चेंज देखना है कि कोई चेंज आया, और जो हमने शुगर डाला था वो कहाँ गया, वो डिसअपियर हो गया। वो डिसअपियर क्यों हुआ है? वो डिसअपियर इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा पानी था, उसमें उसके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस थी, तो जो स्पेस थी वो शुगर ने जाकर ऑक्यूपाई कर ली। तो शुगर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो शुगर डिसअपियर हो गया, डिसॉल्व हो गया उसमें। तो इसके लिए हमें पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज़ ऑफ पार्टिकुलेट नेचर, नॉट कंटिन्यूस। क्योंकि अगर कंटिन्यूस होता तो उसमें कोई भी स्पेस ना होती, बट हमने ये एक्टिविटी की हेल्प से पता किया ना कि उसमें स्पेस होती है। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम जो ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं तो वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, अब हमें ये पता करना है कि वो कितने स्मॉल हो सकते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमने अब पोटाशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लेने हैं, और उसमें 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में उसे डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कर लिया तो उसके बाद में क्या करना है, टेक 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर में डाला था, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसमें से जो वो हमारा सॉल्यूशन बना था उसमें से 10 मिलीलीटर हमने निकाल लेना है बाहर। तो निकाल लिया, और उसके बाद एक और बीकर लेना है, उसमें 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है। 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हमें वो 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन डालना है। तो उसके बाद उसको मिक्स करना है। तो उसके बाद हमने एक थर्ड बिकर लेना है, उसमें 90 मिलीलीटर वाटर डालना है। तो उसमें से जो हमने सेकंड सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से 10 मिलीलीटर निकाल कर उस थर्ड सॉल्यूशन में डालना है। तो हम अगर इसको एक्टिविटी को 5-8 टाइम्स करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो पोटाशियम परमैंगनेट का डार्क पिंक कलर था वो लाइट होता जा रहा है। तो बेसिकली वो लाइट क्यों होता जा रहा है, तो लाइट इसलिए होएगा क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल थे वो
ब्रेक होते जा रहे हैं, वो टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं। वो एक क्रिस्टल था ना, जो एक क्रिस्टल था वो टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट हैं, वो एक क्रिस्टल, मतलब एक नहीं दो तीन क्रिस्टल हैं जो वो 1000 लीटर ऑफ वाटर को कलर दे सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैम सेल्फ इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो डिवाइड होते जाएंगे स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में। और इसके बाद एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब वो पार्टिकल्स डिवाइड होना बंद कर देंगे, तो उसके बाद पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होंगे। तो सेम एक्टिविटी हम डेटॉल से भी कर सकते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट की जगह अगर हम डेटॉल लेंगे तो उसमें भी यही होगा। उसमें उसमें क्या होएगा कि अगर हम डाइल्यूशन के बाद डेटॉल की अमाउंट कम भी होएगी ना, तो भी हमें स्मेल आनी उसकी बंद नहीं होगी, स्मेल हमें आएगी डेटॉल की। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें मैटर की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि जो जो हमने कहा है ना कि मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो उनमें क्या है, स्पेस है। ये तो पहले भी हमने जो एक्टिविटी की है उसमें भी पता चल गया था ना कि स्पेस है। तो वही सेम एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम, वो कहते हैं ना कि हम अगर सिमिलरली कह रहे हैं कि व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, अगर हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अनदर। तो जो एक पार्टिकल्स के जो एक मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है ना, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसे भी हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से, आगे की एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो सेकंड ये करैक्टरिस्टिक्स है मैटर की, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये हम अब कैसे कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अपनी क्लास के एक कॉर्नर में, जाकर हमने एक इंसेंस स्टिक को रख दिया, जला दिया। तो इंसेंस स्टिक मतलब कि जो हम घर में धूप करते हैं ना, धूप बत्ती करते हैं सुबह, वो कर दिया। तो उसके बाद क्या होएगा कि वो उसके बाद क्या होगा कि वो जो उसकी स्मेल होगी ना, वो एक कॉर्नर में नहीं रहेगी, वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है ना कि वो जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो एक एक जगह तक सीमित नहीं थे, वो पूरी रूम में फैल गए हैं। तो इसका मतलब पता चलता है ना हमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ऐसे ही अगर हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, तो सेकेंड एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि उसमें हमें क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे कि हमें ना दो बीकर लेने हैं, दो बीकर लेंगे। तो उसमें हम एक में रेड या फिर दूसरे में ब्लू इंक डाल देंगे, एक कॉर्नर में डालेंगे। कॉर्नर में डालने के बाद थोड़ी देर बाद हमें उसे डिसॉल्व नहीं करना, तो वो खुद से डिसॉल्व होंगे। थोड़ी देर बाद हमने आके देखना है कि उसको वो क्या हुआ, उसे वो क्या होएगा कि जो हमने इंक डाली थी, ना वो एक कॉर्नर में, वो सारे के सारे वाटर में, बीकर में जो वाटर था उसमें सारे के सारे वाटर में वो डिसॉल्व होगी। तो इसमें इससे भी हमें एक्टिविटी से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके बाद में हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है वो हम ले सकते हैं। क्रिस्टल लेंगे पोटाशियम परमैंगनेट के एक हॉट हॉट वाटर के ग्लास में और एक कोल्ड वाटर के ग्लास में। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो हॉट वाटर वाला ग्लास होगा उसमें जो पोटाशियम परमैंगनेट में हमने डालना होगा ना, वो जल्दी डिसॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ओके। तो ये क्यों होगा,
ये इसलिए होगा, वो हॉट वाटर में इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और जो भी कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ मूव कर रही है, तो मूव करने से उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है, तो एज द टेम्परेचर राइज, तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो पार्टिकल्स और जल्दी मूव करेंगे, तो उसकी मूव ज़्यादा करेंगे, मूव जल्दी करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी कंटिन्यूसली मूव करने लग जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कंपेयर, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली जो मूव कर रहे थे वो और भी ज़्यादा फास्टर मूव करने लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होंगे। इसलिए पोटाशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल थे वो हॉट वाटर में ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होने लग जाएंगे। तो हमने जो तीन ये एक्टिविटीज़ की हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स होने लग जाते हैं अपने आप खुद से। तो अगर एक एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स हो रहे हैं खुद से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो हमने फोर्स लेने उन्हें डिसॉल्व किया वो खुद से डिसॉल्व हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन। तो अगर हम इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी है कि हमने क्या करना है कि हम ना प्ले करेंगे गेम फील्ड में, मेक फोर ग्रुप्स एंड फोर ह्यूमन चेन्स एज सुजेस्टेड। तो हमने चेन बनानी है, तो चेन बनाएंगे तो क्या होएगा, उसमें फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर्स। तो अगर बीहू की तरह, बीहू डांसर देखे हैं ना आपने, वो लॉक कर लेते हैं आर्म्स एक दूसरे के साथ, बहुत टाइटली लॉक पकड़ लेते हैं, बहुत टाइटली लॉक कर लेते हैं। ये रहा एक्टिविटी, वो टाइटली अगर एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो उसमें क्या होएगा ना, वो उनकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होएगी, ज़्यादा होगी ना अट्रैक्शन पावर। द सेकेंड ग्रुप को क्या कहेंगे कि शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर। अब जो फर्स्ट वाली ग्रुप बनाया था उन्होंने बैक से भी लॉक कर रखा था, आर्म से भी लॉक कर रखा था, जो सेकंड ग्रुप है उसने उसने सिर्फ अपने हाथों से लॉक किया हुआ है, जो थर्ड ग्रुप है उसने सिर्फ एक दूसरे को फिंगर टिप से टच किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो अट्रैक्शन पावर है, जो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ रखा है, वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, फर्स्ट ग्रुप की है ना। फर्स्ट ग्रुप ने तो पूरा लॉक करके एक दूसरे को पकड़ रखा है, तो उनमें तो अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इजीली ब्रेक करना उन्हें होगा जो एक दूसरे को सिर्फ फिंगर टिप से पकड़ रखे हैं। उसके बाद अगर हम एक एक्टिविटी और करेंगे तो उसमें क्या है, एक हमने आयरन की नेल लेनी है, एक चौका पीस लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। अगर हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करें तो एक रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच कर कर तोड़ सकते हैं, पीस ऑफ चौक को भी तोड़ सकते हैं, आयरन नेल को भी तोड़ सकते हैं। पर थिंक इज दैट कि हमने फोर्स किस में सबसे ज़्यादा लगाई, तो ऑब्वियस है ना, हम फोर्स सबसे ज़्यादा आयरन की नेल में लगाएंगे, आयरन की नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो आयरन की नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने एक दूसरे को टुगेदरली हेल्ड किया हुआ है बहुत ही ग्रेटर फोर्स से, उनमें फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, इससे हमें पता लगता है कि उनमें उनके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर हम थर्ड एक्टिविटी की बात करें
तो हम ये देख सकते हैं कि हमने एक ना वाटर की टैब को ओपन किया और हम उसके जो पानी उसका जो पानी आ रहा है उसे अपनी फिंगर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो यहाँ से पता चलता है कि वाटर में जो पार्टिकल्स में वाटर के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम उस अट्रैक्शन पावर को तोड़ नहीं सकते। तो हमें इन इन थ्री एक्टिविटीज़ से ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। जो ये फोर्स है ना वो पार्टिकल्स को बहुत ही टाइटली हेल्ड करके रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। बट जो ये फोर्स है ना वो मैटर की किस टाइप का मैटर है उस पे भी डिपेंड करती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना ये कि एक आयरन नेल थी, एक पीस ऑफ चॉक था और एक रबड़ बैंड था। तो आयरन नेल को तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगी थी तो उसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द रबड़ बैंड। रबड़ बैंड में तो अट्रैक्शन पावर बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल। तो हमने यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की पार्टिकल्स के पढ़ ली हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ ली हैं। तो इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट की वीडियो में करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर का भी हम ऐसे पढ़ के आंसर दे सकते हैं क्योंकि अब हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे, क्वेश्चन आंसर लास्ट की वीडियो में करेंगे। बट अगला जो टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम अगली पार्ट टू वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।